अब तो ये कैमरा ही ऐसा ना हो। हेलो, यू कैन हियर मी? माइक टेस्टिंग, कैन यू हियर मी? माइक टेस्टिंग, we will start exactly at 9:30. नमस्कार, सो वेलकम टू द सेशन द मैजिक। बचपन से हम सबको मैजिक पसंद है और बड़े होने के बाद भी, स्पेशली जब हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं, तो हमें लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि हमारी जो भी करंट प्रॉब्लम है उससे हम बाहर निकलें। तो मैजिक जो है हम सबका शुरू से ही बड़ा पसंदीदा चीज रही है, तो इसीलिए आज से हम जो ये सेशन शुरू कर रहे हैं, ये सेशंस हैं बेस्ड ऑन द बुक द मैजिक बाय रोंडा ब्राइन। इनकी एक पहले बुक थी द सीक्रेट बोल के इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक निकाली थी। उसके बाद ये सेकेंड बुक है द मैजिक। द सीक्रेट बुक बेसिकली इन्होंने निकाली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जिन लोगों को नहीं मालूम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जैसे भी आप विचार एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, या अपने मन से जो भी आप विचार छोड़ते हैं, जिस भी तरह के छोड़ते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनवायरनमेंट को, वर्ल्ड को ये कुछ भी नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप जैसी जैसी चीजें छोड़ेंगे वो आपको वैसे ही देते जाएंगे। वो खाली ऊपर बैठे हैं तथास्तु बोलने के लिए। तथास्तु, आपने कहा मैं तो, जैसे मैं अपने लिए कहूँ तो मैं तो बहुत मोटा हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में वो प्रॉब्लम है, तो मैं सारा दिन अगर ये सब ही बात करता रहूंगा तो ऊपर से आएगा, ब्लेसिंग आएगी तथास्तु। तथास्तु का मतलब हुआ कि तुम जैसे हो, तुम बहुत मोटे हो, तथास्तु तुम वैसे ही रहो। लेकिन अगर हम अपने लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें, अपने लिए या किसी दूसरे के लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें सोचेंगे तो भी ऊपर से यही आएगा तथास्तु, माने कि आप जैसे चाह रहे हो, जो वर्ड्स आपके सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, जो विचार आप अपने अंदर से छोड़ रहे हो, आपको वो ही कई गुना वापस आएगा। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का लॉ है।
एक्शन से मतलब है मन कर्म वचन तीनों, सिर्फ एक्शन का मतलब करना ही नहीं होता, जो भी हम विचारों से जो भी चीजों को छोड़ते हैं अपने अंदर से वो भी हमारे पर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमारे साथ होता है। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत स्लेंडर हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत रिच हूं, मेरे सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर मैं सारा दिन इन पॉजिटिव चीजों को ही सिर्फ दोहराता रहूंगा तो मेरे पास वैसी ही चीजें आएंगी, और अगर मैं सारा दिन नेगेटिव चीजों को दोहराता रहूंगा तो मेरे साथ सारी नेगेटिव चीजें आएंगी। ये है जस्ट द सीक्रेट बुक का, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू गिव और व्हाट यू प्रोजेक्ट विल कम बैक टू यू, उसी से उसी की सक्सेस के बाद इन्होंने ये नेक्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम है द मैजिक। अगर आप सब जो भी व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आए हैं उसी के नीचे ये ऑनलाइन बुक बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में ई बुक भी अवेलेबल है, जैसा भी हो आप इसको खरीद लें। बेसिकली ये बुक जो है 28 डेज की एक्सरसाइज है, ये बुक समझना नहीं है, ये पूरी पूरी प्रैक्टिकल अपने सेशंस रहेंगे जिसमें हर डे की एक एक्सरसाइज है। तो 28 डेज तक हमें एक एक एक्सरसाइज रोज करनी है कंटिन्यूसली। तो मेरी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इस सेशन को सुनने के लिए मत सुनिए इसको, अगर आप अपने जीवन में मैजिक चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली मैजिकल कुछ हो, फॉर एग्जांपल आज कोई फाइनेंस से गुजर रहा है तो उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए कि छप्पर फाड़ के पैसे टपक जाए, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसे लगता है कुछ ऐसा मैजिक वैंड कोई घुमा दे और मेरा पति और पत्नी या जो भी है प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के जीवन में चल रही है वो ऐसे सॉल्व हो जाए। तो हम जो सालों से महीनों से जिन प्रॉब्लमों से गुजर रहे हैं और हमें वो जादू की छड़ी नहीं मिल रही है, आशा करते हैं कि इस बुक के 28 दिन के प्रयास से हमें वो जादू की छड़ी मिल जाए और हम अपने लाइफ में जो भी हम मैजिक चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो वो हम ला सकें। अभी हम बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। बेसिकली मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, तो प्राणिक हीलिंग में बताया गया है कि चार मोटा मोटी चार तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में, चार तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो। सेकेंडली होती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह के रिलेशनशिप, आप घर में या बाहर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, किसी की किसी के साथ नहीं पट रही है कोई भी संबंध। फिर है वेल्थ प्रॉब्लम, धन कितना भी हो उतना ही कम है, तो हम कभी ना कभी, और स्पेशली अब तो लॉकडाउन का होके चुका है तो सभी चाहे वो मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाले भी हो लेकिन वो भी यही कहेंगे एक बार तो अरे धंधा मंदा है। और चौथी प्रॉब्लम है दैट इज स्पिरिचुअलिटी, कि हम जो है किसी भी एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी एक भगवान से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये भी ये चार मोटा मोटी ये चार तरह की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है। तो हम जो करेंगे इस स्टडी सेशन में, अपने जीवन की सिर्फ एक प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करेंगे और नेक्स्ट आने वाले 28 डेज में देखेंगे कि मैजिकली वो प्रॉब्लम हमारे जीवन से जाती है कि नहीं जाती है। It's an experiment for all of us, for you and for me. So let's see क्या होता है। आज book reading से start नहीं करेंगे हम लोग, आज पहला दिन है, आज थोड़ा सा introduction ही रहेगा। Next कल से मैं zoom के through book sharing करूंगा, हम लोग एक एक word to word book का पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आने वाले 3-4 दिन तक शुरू के कुछ पेजेस जो हैं बुक की जो जिस्ट है वो सब हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरू के मोटा मोटी 20-25 पन्ने हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे आने वाले 3-4-5 दिनों में, और उसके बाद से हमारा काउंटिंग शुरू होगा, दैट इज डे 1। तब ये सेशंस जो है, ये वाले जो सेशन से थोड़े से लंबे हो जाएंगे, 9:30 से 10 नहीं रहेगा, डिपेंडिंग ऑन जिस डे की क्या एक्टिविटी है। हर डे में मोटा मोटी 8-10 पन्ने के करीब मैटर है तो आधे घंटे में वो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी डिपेंड करता है।
तो हम लोग उनको कवर करेंगे, उस एक्टिविटी को करेंगे। बट जो लोग भी यहाँ पे हैं मेरे साथ, सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा, मुझे नहीं अपने आप को, कि अगर आपको इन आने वाले 2-3 दिनों में लगे कि ये मैजिक बुक जो हमारी लाइफ में सही में कोई मैजिक करना कर सकती है, तो हम लोग इसको सीरियसली लेकर आगे बढ़े। सुनने के लिए सेशंस एकदम भी नहीं है, पूरे 28 डे की 28 एक्टिविटीज हैं जो कि हमें निश्चित रूप से करनी है। और इससे किसी और का भला नहीं होगा, आपके पड़ोसी का नहीं होगा, आपकी फैमिली का नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, सिर्फ आपका होगा, क्योंकि ये मैजिक जो है वो आपको स्वयं क्रिएट करना है अपने जीवन में। करेक्ट, सबसे पहला जो इन्होंने लिखा है, डू यू बिलीव इन मैजिक, क्या हम मैजिक में विश्वास करते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि मैजिक जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब फॉल्स है। बट फिर भी हमने आज तक, आज हमारी अभी हमारे जो भी एज है, आज तक कुछ कुछ ऐसी घटनाएं इवेंट्स हमारे साथ हुई होंगी जिसमें ऐसा लगा हो कि ये जो हुआ हमारे साथ ये एक्चुअली मैजिक था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हम हासिल कर सकते हैं या कुछ भी, मतलब कुछ छोटी बड़ी ऐसी घटना हुई होगी जिससे लगता है कि हाँ ये तो एक्चुअली मैजिक था, ये भगवान का आशीर्वाद था, ये तो हमने दूर दूर तक अपनी वाइल्ड ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे साथ होगा, बट ऐसा हुआ। तो मैजिक्स होते हैं जो टीवी में हम लोग देखते हैं, किसी सरकार को या दूसरे मैजिशियंस को हम लोग देखते हैं, वो तो पूरा पूरा छलावा है, बट वो हमें एक एक छोटी सी आस देकर जाता है कि एक्चुअली मैजिक हो सकता है और ये सही भी है। बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने सुने हैं, देखे हैं, हो सकता है अभी हमें याद नहीं है, बट डेफिनेटली सबने सुने तो हैं कि लोगों की लाइफ में कैसे मैजिकली कुछ हुआ, कोई इंसान आया, कोई घटना घटी, कुछ कुछ हुआ जिससे कि उनकी लाइफ पूरी पूरी बदल गई, कई बार अच्छे के लिए, कई बार बुरे के लिए, बट मैजिक होता है। और अगर हम स्ट्रांग रहें और हमारा जो फेथ है, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो एक्शंस है, वो सब सही रहें, पॉजिटिव रहें, तो हमेशा पॉजिटिव मैजिक होगा। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आना वो अलग बात है, वो आएंगे ही आएंगे, बट जब डाउन है, अप है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो हम लोग राजा हैं। बट अगर डाउन है और उस समय भी आप पॉजिटिव हैं और उस समय आप जो ये सारी चीजें हम जो डिस्कस करने वाले आने वाले समय में उस पे फोकस करते हुए आप चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैजिक होगा। और जो आज जो जिस भी इस मुकाम पर है, देखिए हर किसी की लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो है ही, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ही हम लोग इस आशा से सेशंस को शुरू किए कि प्रॉब्लम्स के सलूशन मैजिकली हम उनको सॉल्व कर सकें थ्रू आवर सेल्फ। हमें इसमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्वयं की जरूरत है, अपने पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है, थोड़ी सी अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने एक्शंस में, अपनी दिनचर्या में थोड़े से बदलाव लाने की जरूरत है, और फिर मैजिक विल हैपन। सो इस बुक के पहले वर्ड से, अगर किसी आपके पास बुक है ऑलरेडी, आप उसे प्लीज खोल कर पढ़ सकते हैं, नहीं तो डेफिनेटली कल से हम लोग इसको दोबारा शुरू करेंगे, बट मैं अभी आज एक छोटे छोटे जिस्ट के ऊपर ही खाली काम कर रहा हूँ। सबसे पहला जो इसमें वर्ड्स है, डू यू बिलीव इन मैजिक, उसके बाद बोलते हैं दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट, बाई रोनाल्ड ढाल, ही इज अ राइटर। तो अगर आप मैजिक में बिलीव ही नहीं करते हैं तो आपके पास, आपके जीवन में कभी मैजिक होगा भी नहीं। किसी भी चीज को होने के लिए उसकी एग्जिस्टेंस को बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस चीज में, उसके एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करेंगे तो वो चीज आपके पास होगी भी नहीं। फिर एक पुरानी सेइंग का इन्होंने जिक्र किया है, Whoever has will be given more and he will have abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken away from him.
अर्थात जिसके पास ज्यादा है उसके पास और ज्यादा होगा, जिसके पास ऑलरेडी भगवान ने बहुत कुछ दिया है उसके पास और ज्यादा होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो भी उससे ले लिया जाए। बड़े विडंबना वाली बात है, माने अमीर और अमीर होंगे, गरीब और गरीब होंगे, नहीं, इसमें हिडन सीक्रेट है, वो सीक्रेट हम कल डिस्कस करेंगे। फिर ये एक यूनिवर्सल लॉ के ऊपर जो मैं अभी बता रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम सारा दिन फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, मेरे जो अगर मैं बिजनेस में हूं तो मेरे क्लाइंट्स जो है वो हमेशा मेरा पैसा रोक लेते हैं, मेरे लेबर्स जो है, मेरा स्टाफ जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, घर में मेरी बीवी जो है वो एकदम भी अच्छी नहीं है, वो ऐसे करती है वो वैसे करती है, मेरा हस्बैंड जो है वो एकदम भी अच्छा नहीं है, वो ऐसे करता है वैसे करता है, मेरे हिसाब से नहीं सुनता, मेरे को सुनता ही नहीं है, वगैरह वगैरह सब। सारा दिन इस तरह की, मेरी सास जो है वो बहुत खड़ूस है, तो हम सारा दिन वो ऐसे करती है वैसे करती है, सारा दिन हम ये नेगेटिव विचारों में ही अगर हम घिरे रहेंगे तो जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ऊपर से आवाज आएगी तथास्तु, माने वो जो इंसान वैसा जैसा है, जैसा आप उसको बार बार दोहरा रहे हैं, उसको आप और एनर्जी दे रहे हैं और वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी 100% खराब कभी नहीं होता, हर सिचुएशन, हर इंसान हमारे जीवन में आता है, भगवान उन्हें इसीलिए भेजते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाए, उससे हमें वो लेसन को लर्न करना है, हमें उस अपनी मिस्टेक को उससे बाहर निकलना है। थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, मैसेज आया था अभी इस सेशन शुरू करने से पहले ही, बड़ा अच्छा मैसेज था। The person who frightens or intimidates you is urging you to have courage. The person who hates you is teaching you to love yourself. And the person who humiliates you is helping you to overcome your shame. Every mean person in your life is a blessing. कितनी अच्छी बात कही। जो भी इंसान आपको डरा रहा है, धमका रहा है, वो आपको और करेज, आपके अंदर और करेज पैदा हो, उसकी प्रेरणा दे रहा है। कोई इंसान अगर आपको हेट कर रहा है तो वो आपको प्रेरणा दे रहा है कि आपको लव जो है वो बाहर से नहीं ढूंढना है, यू हैव टू लव योरसेल्फ। और अगर कोई पर्सन आपको नीचा दिखा रहा है तो आपको अपनी लो सेल्फ एस्टीम गिल्ट से आपको बाहर निकलना है, वो आपको ये सिखा के जा रहा है। तो जितने भी ये बुरे इंसान हमारे जीवन में आ रहे हैं, जितने भी बुरी सिचुएशन हमारे जीवन में आ रही हैं, ये हमारी खुद की लाई हुई हैं और ये हमें सिखा, कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जाने की कोशिश कर रही हैं कि आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए जब भी कोई इस तरह की स्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमें उस पर्सन का धन्यवाद देना चाहिए, उस पर्सन का इन द सेंस जो फिजिकल बॉडी में दिख रहा है उसका नहीं, उसके पीछे जो लेसन वो हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आप, हम इस इंसान से या स्थिति से हम ये सीख रहे हैं और आपने हमें ये सिखाने की कोशिश करी है और हम आगे से इस चीज को सीख कर ये सेम गलती को नहीं दोहराएंगे। माने अगर कोई बुरा इंसान है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक छोटी सी अच्छी बात तो होगी ना, तो हमें खाली उस अच्छी बात पे फोकस करना है, उसकी खराब बात पे फोकस नहीं करना है। जैसे माई चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम, तो इस बात को नहीं बोलना है हमें, इसके लिए उस चाइल्ड की जो भी अच्छी जो बात होगी उसके ऊपर हमें फोकस करना है। मेरी वाइफ जो है वो बहुत बेकार खाना बनाती है, इस बात पे फोकस नहीं करना है, हमें इस बात पे फोकस करना है कि उसने जो भी बनाया वो टॉप शेफ वाली डिश है। उतना हाई सोचेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे तब जाके थोड़ा सा अच्छा सोच पाएंगे। हालांकि दोनों एक एक्सट्रीम है, एकदम खराब खाने को हम शेफ फाइव स्टार होटल का खाना नहीं बोल सकते हैं, बट स्टिल एक बार छूटे मुंह बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट मत बोलिए मत सोचिए, तो क्या आप धीरे धीरे मिडिल पाथ में आएंगे।
मेरा बॉस बहुत खराब है, वो मुझे कभी भी सैलरी हमारी जो हर साल रेज होती है वो नहीं देता है। तो उसकी जगह आपको ये बोलना है कि मेरा मुझे तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉस मिला है और वो हमेशा मुझे जो है पूरे ऑफिस में किसी की बढ़ाई ना बढ़ाए, मेरा जो रेज होता है हर साल वो सबसे ज्यादा होता है। चाहे आपका नहीं हुआ हो लेकिन आपको हमेशा यही दोहराना है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द मैजिक। तो जैसे जैसे आप अपने अपने ऑरा के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर, अपने एक्शंस के अंदर ये सारी पॉजिटिविटी लाएंगे, वैसे वैसे देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे हैं। और लेकिन सिर्फ थॉट से काम नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि हम लोग 28 डेज की एक्सरसाइजेस हैं, उसे हम एक एक दिन करके, एक एक एक्सरसाइज को करके करेंगे, तो धीरे 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 हमारे अंदर, हमारे थॉट्स, आचार विचार के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आएंगे और हम उससे अपनी लाइफ में होपफुली मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। इतना अच्छा होना आबरा का डाबरा। मैं प्राणिक हीलिंग में हमेशा ये बोलता हूँ कि प्राणिक हीलिंग इज ऑल्सो लाइक अ मैजिक वैंड, एक जादू की छड़ी है जो कि हमारे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि इसमें इतने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। सिमिलरली ये मैजिक बुक, क्योंकि बहुत लोग हीलिंग से भागते हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि आउट ऑफ हीलिंग कुछ करते हैं, तो इसीलिए मैजिक बुक कर रहे हैं जो कि एक जेनरिक है। इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ करके करना पड़ेगा। सिर्फ 28 दिन तक आप और हम अगर साथ में डिलीजेंटली इसको प्रैक्टिस करें तो हमारी लाइफ में मैजिक हो सकता है। लाखों लोगों ने इससे अपनी लाइफ चेंज करी है, तो डेफिनेटली हम भी तो कर ही पाएंगे अगर हम 28 दिनों को अच्छे से फॉलो कर सकें तो। इस बुक का जो सबसे बड़ा सार है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि हमारे जीवन में हमें हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। ये हम सबकी लाइफ में बहुत मिसिंग रहता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें लगता है कि नहीं, हम तो धन्यवाद दे देते हैं, बट खाली धन्यवाद देना इज नॉट इनफ। वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अंदर से कैसे आना चाहिए वो बहुत जरूरी है, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक लाइफ में मैजिक नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा हो गई। आज हम लोग स्पेशली प्राय हम लोग सब शहरों में रह रहे हैं, तो शहरों की जो लाइफ है उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ ठीक है, घर तो है ही, घर में बिजली तो है ही, घर के अंदर पानी तो है ही, घर में कुकिंग गैस तो है ही, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो आज के टाइम में भी इंडिया में लाखों लाखों लोगों के पास नहीं है। ना पक्का घर है, ना घर के अंदर लाइट है, न घर के अंदर कुकिंग गैस है, न घर के अंदर पानी है। सब चीज के लिए उनको बाहर से डिपेंडेंट है, वो पानी भर के लाना पड़ता है, मट्टी के चूल्हे में खाना बनाना पड़ता है, बारिश के दिनों में चूती हुई छत के नीचे रहना पड़ता है। लेकिन हमें लगता है कि ये सब चीज टेकन फॉर ग्रांटेड, इनके लिए हमें क्या ग्रेटिट्यूड होना है। घर में खाना होना, पका हुआ खाना कोई बना के बनाने वाला है, उस खाने को वो परोस रहा है, खाने के लिए हमारे अंदर हमारे हाथ हैं, चबाने के लिए दांत हैं, डाइजेस्ट करने के लिए पेट है। लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको में कुछ ना कुछ मिसिंग है उस बेसिक खाने की चीज के। तो हम ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग ग्रैटिट्यूड में नहीं गिनते हैं कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, बट हर छोटी से छोटी, हर एक सांस के लिए, हर छोटी सी चीज के लिए आपके मन में ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब नहीं है कि हर सेकेंड हम लोग ग्रैटिट्यूड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे इन चीजों को हैबिट में लाएंगे जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो जब बड़ी चीज होगी तो उसको भी हम थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड फील करना हम लोग नहीं भूलेंगे। जैसा कि एक कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो इसका मतलब यही है कि दुख में होता है तब तो भगवान को, सबको, रिश्तेदारों को, इसको, उसको, सबको याद कर लेते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो हम लोग बहुत जनों को, स्पेशली भगवान को, थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो जब ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में आएंगे तो हम हर घड़ी और छोटी चीजों के बारे में हम लोग थैंक यू बोल पाएंगे, और जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड रहेंगे। आज सिंपल सी बात है, आज अगर हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं और वो इंसान उस छोटे से गिफ्ट को बहुत वाओ, बहुत अप्रिशिएट करता है, तो हमें कितनी खुशी होती है, हम नेक्स्ट टाइम उसके लिए और अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही, अगर आप मुझे गिफ्ट दीजिए और मैंने आपको पूछा बस आज एक झूठे में थैंक यू, हाँ ओके थैंक यू वेरी नाइस वेरी नाइस, एक फॉर्मेलिटी वाला थैंक यू बोल दिया, आप चले गए और गिफ्ट को साइड में रख दे, तो आपको कैसा लगे, अरे मेरी गिफ्ट की तो इसने वैल्यू नहीं करी, नेक्स्ट टाइम ठीक है इसको कोई गिफ्ट आप नहीं दे। तो
सेम एग्जैक्टली सेम यूनिवर्स के लिए भी है कि जितना ज्यादा हम यूनिवर्स को सब कुछ हमें यूनिवर्स से मिल रहा है, यूनिवर्स में इज अबंडेंस फॉर एवरीथिंग, तो जितना ज्यादा हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे हमारी चीजों के लिए, यूनिवर्स उतना ज्यादा ही हमें पलट कर हमारे जीवन में उस चीज को लाएगा और दैट इज द मैजिक। तो इस तरह से ये बुक है जिसमें विल ट्राइंग टू ब्रिंग द मैजिक इन योर लाइफ बाय शोइंग बाय वर्किंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बाय वर्किंग ऑन ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कितने ज्यादा हम ग्रेटफुल रहेंगे और कितने ज्यादा हम जो भी पॉजिटिव चीज है वही हमारे जीवन में और नेगेटिव विचार, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का क्रिटिकल विचार, किसी भी तरह का नेगेटिव विचार हम अपने जीवन से एकदम हटा देंगे। ठीक है, तो कल से मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा और हम लोग बुक के एक एक पन्ने को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड टू वर्ड बुक को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसको समझेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और मैं देखता हूँ पॉसिबल हुआ तो एक क्लोज्ड ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहें तो अपने क्वेरीज डाउट्स डिस्कस भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए जो लोग मुझे जानते हैं वो अपना मैसेज मुझे भेज दें, जो लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरा नंबर है 9331025054, आई रिपीट 9331025054। एक व्हाट्सएप ग्रुप, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो मैसेज मुझे कर दीजिए, जिससे कि कुछ उसमें हम लोग और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अगर आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह हैं उतना ही डिस्कशन करेंगे, उससे ज्यादा और उसमें कोई मैसेज आएंगे नहीं, क्योंकि ये YouTube में हो रहा है तो इंटरेक्शन आपका मेरा वैसा नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको WhatsApp के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिक हो तो प्लीज इस बुक को जितना जल्दी हो उतना खरीद लीजिए एंड देन विल फॉलो इट। बुक के पीछे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, फॉर मोर देन 20 सेंचुरीज वर्ड्स विद इन अ सेक्रेट टेक्स्ट हैव मिस्टिफाइड, कंफ्यूज्ड एंड बीन मिसअंडरस्टूड बाय ऑलमोस्ट ऑल हु रीड देम, ओनली अ वेरी फ्यू पीपल थ्रू द हिस्ट्री हैव रियलाइज्ड दैट द वर्ड्स आर अ रिडल एंड वंस यू सॉल्व द रिडल, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In The Magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. तो जो confusion है और जो mystery है वो यही है जो मैंने अभी आपको gist में बताया, law of attraction and attitude of gratitude, ये दो चीजें हैं जो कि सबको समझ में नहीं आती हैं। law of attraction थोड़ा सा कुछ भी बोल दिया और सोचे कि बहुत कुछ आने लग जाए, नहीं होने वाला है, थोड़ा सा thank you बोल दिया, सोचा बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, उसको आपको दिल से अंदर से निकालना पड़ेगा, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और फिर इस 28 डे की जो जर्नी है उसको हम अप्लाई करेंगे एंड देन द मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। सो आई होप कुछ समझ में आया हो। सो वी विल मीट अगेन टुमारो एट 9:30 on this YouTube channel with a screen sharing and we'll be doing the reading of this book. Till then, all of you, namaste.